तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि व्हाट इज़ राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो इससे रिलेटेड भी जो न्यूमेरिकल है वो आपको देखने को मिलते हैं, और इसमें एक चीज़ और इंक्लूड होती है, वो है टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम का मतलब ये होता है कि उतना टाइम सीपीयू के लिए आप दे सकते हैं। सपोज अगर टाइम क्वांटम 2 है तो यहाँ पे ये 2 मिनट या फिर 2 सेकेंड आप जो भी कह सकते हैं, उतना टाइम सीपीयू को आपको मैंडेटरी है कि देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो होता है आपका टाइम क्वांटम। राउंड रॉबिन इज अ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वेयर ईच प्रोसेस इज असाइंड अ फिक्स्ड टाइम स्लॉट इन अ साइक्लिक वे। इट इज बेसिकली द प्रिमिटिव वर्जन ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन सीपीयू एल्गोरिथम जनरली फोकसेज ऑन टाइम शेयरिंग टेक्निक ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोसेस और जॉब इज अलाउड टू रन इन अ प्रिमिटिव मेथड इज कॉल्ड द टाइम क्वांटम। तो जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको टाइम क्वांटम सपोज 2 यहाँ पे सेकेंड दिया गया है, तो एटलीस्ट अगर यहाँ पे जो है बस टाइम आपका 4 है तो आपको यहाँ पे 2 सेकंड तक पहले चलाना है, ठीक है। मतलब 2 सेकंड के लिए तो आपका टाइम क्वांटम तो है ही है, ठीक है, इतने पे तो रन करेगा, तो फिर ये जो हो जाएगा आपका बस टाइम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके जो है आपको जो है गैंट चार्ट बनाना पड़ता है, और ये जो है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इट इज़ सिंपल इजी टू इम्प्लीमेंट एंड स्टार्वेशन फ्री एज ऑल प्रोसेस गेट्स अ फेयर शेयर ऑफ सीपीयू। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे एक होता है रेडी क्यू, ठीक है, और एक होता है आपका रनिंग स्टेट। तो होता क्या है कि सारे प्रोसेस को 1/1 चांस मिलेगा, और अगर कोई भी जो है रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में जाता है फिर उसके बाद वो जो प्रोसेस है फिर वो आपका रेडी क्यू में चला आता है, ठीक है, और फिर और प्रोसेस को चांस मिलेगा, फिर लास्ट में जो प्रोसेस बचा रहेगा वो आएगा, फिर वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से क्या होता है जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है एल्गोरिथम है वो काम करता है, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द बस टाइम, इट कैन ट्रूली बी इम्प्लीमेंटेड इन द सिस्टम। और डिसएडवांटेज की बात करें तो राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग अप्रोच टेक्स लॉन्गर टू स्वैप कॉन्टेक्स्ट, टाइम क्वांटम हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जो टाइम क्वांटम होता है ये एक सिग्निफिकेंट मतलब परफॉर्मेंस में इफेक्ट डालता है, क्योंकि बेस्ड ऑन टाइम क्वांटम के हिसाब से ही हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, और बेस्ड ऑन उनके हिसाब से जो हमारा गैंट चार्ट बनता है तैयार होता है कि उसमें एवरेज टाइम हम लोग निकालते हैं। तो इस तरीके से जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है वो काम करता है। तो अगर आप इसका न्यूमेरिकल बोलेंगे तो एक अलग वीडियो में समझा देंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो है एक इंटरव्यू से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था जो आपको समझना ज़रूरी था। तो आई होप जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को यार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही इंटरव्यू से रिलेटेड जो वीडियोज़ है आपको चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।